बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपने ख्वाब में हुदहुद परिंदा देखा है तो आइए इस ख्वाब की ताबीर जानते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए। आप किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब तहरीर कीजिए। हम आप तक आपके ख्वाब की ताबीर लाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम इबन सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुदहुद परिंदा देखा है तो ज़हीन, अक्लमंद, दानश्वर और खैर की खबर सुनाने वाले शख्स को देखने के मुतरादिफ है। हजरत फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुदहुद को पकड़ा है या किसी शख्स ने हुदहुद साहिब ख्वाब को दिया है तो ये इस बात पर दलील है कि उसी सिफात के आदमी से वो खैर और भलाई पाएगा। हजरत फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुदहुद परिंदे को मारा है तो किसी दानश्वर, अक्लमंद और ज़हीन आदमी पर बरतरी हासिल करने या उसको से फतह याब होने पर दलील है। हजरत फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुदहुद परिंदा खाया है तो इस बात पर दलील है कि वो अपने अमल की वजह से लोगों से माल हासिल करेगा। हजरत इमाम इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुदहुद देखा है तो ये हुदहुद देखना चार वजह पर होता है कि एक बुजुर्गी, नंबर दो दुश्मन पे फतह, नंबर तीन अच्छी खबर और नंबर चार हर काम दानाई से करने पर दलील है। दोस्तों, अगर आपने अच्छा ख्वाब देखा है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बुरा, डरावना, मुसीबत वाला ख्वाब देखा है अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।